आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छी सर्विस है, जहां आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो, आपको जो भी मन करे आप वो परचेस कर सकते हो। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप मोबाइल परचेस कर सकते हो, और सबसे अच्छी चीज शो ऑफ करने के बहुत ही ज्यादा काम में आता है। अगर आपने भी क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आज का वीडियो आप कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे और बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो वीडियो कभी भी स्किप मत कीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपसे ईएमआई नहीं पे किया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने क्रेडिट कार्ड को आप कैसे सेटल करा सकते हो, कैसे क्रेडिट कार्ड के झंझट से आप बच सकते हो। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। पैंडेमिक आने से पहले मेरा जो सैलरी था तकरीबन 1 लाख रुपए था। जब 1 लाख रुपए था तो जितनी कंपनी ने मुझे ऑफर किया कि सर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि पैसे बहुत ज्यादा थे, तो मैंने जितने भी कंपनी थी सारे के क्रेडिट कार्ड ले लिए। पर पैंडेमिक के बाद मेरा जॉब चला गया। अब जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअल सैलरी 25 से 30 हजार रुपए है। अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड का ईएमआई को पे कर पाए, यहां तक कि उसके जो बिल छोड़ी उसका इंटरेस्ट तक हम नहीं पे कर पा रहे हैं। अब करे तो करे क्या, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट की तरह इसका तो है नहीं कि आपको मंथली पे करते रहना है और बाद में आप एक ईएमआई दो ईएमआई करके पे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जितना इसमें पे नहीं करते हो सारा कुछ ऐड हो जाता है। परेशानी और बढ़ जाती है जब रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं, आपको फोन करते हैं, आपको डराते धमकाते, अगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया तो हम आप पे 420C का केस कर देंगे और हो सके तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब किसी भी एक आम एम्प्लॉय को, किसी भी एक आम जनता को जब जेल की बात की जाती है, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कहीं उन्हें जेल तो जाना नहीं पड़ जाए, और यही वो पॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, क्रेडिट कार्ड किस तरह का लोन होता है। एक अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन क्या, जहां पे किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। बैंक जब आपको लोन देता है तो वो खुद पहले से बहुत कुछ चेक करता है। आपको क्या लगता है क्रेडिट कार्ड बैंक सबको दे देता है? वो सबको बिल्कुल नहीं देता है। या तो आपका सैलरी बहुत अच्छा होना चाहिए या बहुत बड़े बिजनेस के मालिक होने चाहिए। कहने का मतलब मैं, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके जो ट्रांजेक्शन हुआ है आप उसका बिल पेमेंट करके उनको दे दो। और बेसिकली जिनका 750+ सिविल स्कोर होता है उन्हीं को दिया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड को कैसे सेटल किया जाता है। कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक बात समझिए, अगर आपने किसी भी कंपनी से कोई भी लोन लिया है, जब आप सेटलमेंट कराने जाते हो तो सेटलमेंट आपका 50% पे हो या 5% पे हो या 95% पे हो, अगर बैंक का अगर 1 रुपया भी बच गया तो वहां पे आप डिफॉल्टर कहलाओगे और भविष्य में कोई भी अनसिक्योर लोन क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सेटलमेंट कैसे कराएंगे, क्योंकि एक अनसिक्योर लोन है तो बैंक को यहाँ पे हमेशा डर लगता है कि जितना पैसा आ जाए उतना ठीक है, क्योंकि अगर बैंक आपको सामने से बोल देगा कि अगर आप पैसे नहीं भी पेमेंट करोगे तो हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे। जैसे बहुत सारे कस्टमर है जो उनको पैसा नहीं देंगे, फिर भी बैंक यहाँ पे प्रेशर डालता है, आपको डराता है, धमकाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे 420C का केस करेंगे। दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड किसी का 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, बेसिकली 1 लाख से बहुत सारे के तो कम के होंगे। उतने के लिए अगर आप वो केस करने जाए तो उस केस का कॉस्ट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल से काफी ज्यादा कम होता है। तो बैंक ऐसा कभी भी नहीं करता। बैंक इसमें क्या करता है कि वो आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। अगर आप सामने से सेटलमेंट ऑफर करो, जो वन टाइम सेटलमेंट है, मैंने डेट सेटलमेंट के बारे में बताया था कि एक डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली इसी का काम करता है, जो सेटलमेंट के प्रोसेस को पूरा फॉलो कराता है। यहाँ पे जाके अपने आप बिल को 50% तक आप माफ करा सकते हो। अगर वैसे भी नहीं हो तो बैंक वाले सामने से आपको लोक अदालत का ऑफर देते हैं, आप लोक अदालत में जाके भी इस पूरे प्रोसेस को डील कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑनलाइन यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जहां पे मैं आपको इतना नहीं बता सकता। अगर जो लोग इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर वो एक्चुअली में माफ कराना चाहते हैं, तो मेरा एक पेड सर्विस है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।